अलवर शहर नगर परिषद में उठापटक फिर शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज निलंबित सभापति बीना गुप्ता अपना पदभार ग्रहण करने पहुंची, लेकिन सभापति कक्ष के गेट पर ताला लगा होने के कारण वो बाहर बैठ गई और इंतजार करने लगी। सभापति बीना गुप्ता को राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया गया था। इसके विरोध में वह उच्च न्यायालय चली गई और उच्च न्यायालय से उन्हें बाहर करते हुए माना गया है कि वह सभापति का पद ग्रहण कर सकती हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी के उपसभापति घनश्याम गुर्जर सभापति पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को भी अपना जवाब पेश करने को कहा, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी नगर परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में बीना गुप्ता ने बताया कि 26 मई 2023 को उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया कि वह सभापति का पदभार ग्रहण कर सकती हैं। इस संबंध में नगर विकास विभाग को भी पत्र लिखे गए हैं। वह व्यक्तिगत नगरीय विकास विभाग के संपर्क में रही, वकील भी जाता था। वह चाहती थी कि नगरीय विकास विभाग की ओर से ही उन्हें सभापति पदभार ग्रहण करने के लिए कहा जाए, इसीलिए उन्होंने 2 माह इंतजार किया। लेकिन इसी बीच सरकार ने वार्ड नंबर 20 जिससे सभापति निर्वाचित हुई थी उस वार्ड को रिक्त बताते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए, इसीलिए उन्होंने आज ये कदम उठाया। उन्होंने बताया कि वह चाहती थी कि सरकार ही उन्हें पद पर बैठाए, लेकिन सरकार ने पद रिक्त बताने के कारण उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है। आज भी जब यहां पर आई तो ताला लगा हुआ मिला। पदभार को लेकर पूर्व सभापति बीना गुप्ता एक ज्ञापन लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन सुबह 2 घंटे तक ना तो नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार आए, न ही सभापति का कार्यभार देख रहे घनश्याम गुर्जर आए। ज्ञापन आयुक्त के नाम है जिसमें उन्होंने सभापति नगर परिषद और अलवर के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए लिखा है। मैं नगर परिषद अलवर राजस्थान के वार्ड नंबर संख्या से निर्वाचित पार्षद हूं। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के निदेशक एवं सचिव द्वारा अपने आदेश 13 दिसंबर 2021 द्वारा मुझे पार्षद वार्ड नंबर 20 नगर परिषद राजस्थान एवं सभापति नगर परिषद राजस्थान के पद से निलंबित किया गया था। उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर राजस्थान के निदेशक एवं सचिव द्वारा अपने आदेश क्रमांक 25 अप्रैल 2023 द्वारा मुझे पार्षद वार्ड नंबर 20 नगर परिषद अलवर राजस्थान तथा सभापति नगर परिषद अलवर राजस्थान के पद से बर्खास्त करते हुए मुझे 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार किया गया था। जिस आदेश 25 अप्रैल 2023 के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर राजस्थान के निदेशक एवं सचिव का पत्र 13 दिसंबर 2021 स्वतः ही प्रभावहीन हो गया तथा उसकी समस्त प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो गई। आदेश 25 अप्रैल 2023 को मेरे द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर राजस्थान के समक्ष SB सिविल रीट पिटीशन नंबर 7186/2023 अनुवामी बीना गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य वगैरह प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त आदेश 26 मई 2023 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैच जयपुर राजस्थान द्वारा सादर फरमाए जाने से स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर राजस्थान के निदेशक द्वारा मुझे 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार करने तथा नगर परिषद लिए डिबार करने तथा न प्रभावी व निरस्त होकर सभापति के पद से स्वतः ही समाप्त हो गई। समस्त प्रक्रिया सूचनार्थ न्यायालय जयपुर है बैच जयपुर प्रेक्षित है कि मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च जयपुर बैच जयपुर राजस्थान द्वारा SB सिविल रीट पिटीशन नंबर 7186/2023 बीना गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में पारित 26 मई 2023 की अनुपालना में सभापति नगर परिषद राजस्थान का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इधर कांग्रेस के पार्षद नारायण साईवाल ने बताया कि किसी आधार पर तो बीना गुप्ता यहां पर चार्ज ग्रहण करने आई है। नगर परिषद आयुक्त को उनके कागजातों की जांच करनी चाहिए कि वह चार्ज ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो उन्होंने लिखकर देना चाहिए कि किस आधार पर वे नगर परिषद सभापति का चार्ज ग्रहण नहीं कर सकती है। इतने दिन से जो नहीं बैठ रही थी आकर के उनके आपस में केस बैच चल रहे थे DLB वर्सेज नगर परिषद, तो कहने का मतलब है कि अब इनके पास में कोई तथ्य है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, तभी तो आदमी आकर बैठा है। हम ये मांग करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करें नगर परिषद, अपने जो वकील हैं वो चेक कराएं सही है गलत है, उसके आधार पर इनको बैठाना नहीं बैठाना है लिख के दे दें कि इस आधार से आपको नहीं बैठा जाता है। ये अपने आधार बता रही है कि मैं इस आधार में बैठ सकती हूँ, तो आके वो सक्षम अधिकारी आए तो सही, क्यों नहीं आ रहे? बाकी के कांग्रेसी जो काउंसलर हैं वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ पा रहे? देखे गए तो इन्होंने सूचना करी नहीं करी थी, इसे इनको पता हुआ, हमें जो सूचना थी हमारे मौके मौजूद है, क्यों नहीं कर सकती जब हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए तो क्यों नहीं गई DLB उसकी अपील करने के लिए?
60 दिन का जो समय था उसका उन्होंने खराब किया। इसका मतलब था कि उनकी सहति बैठाने के लिए तो बैठा है, फिर बैठा है क्यों नहीं? अगले आदमी अगर सीने तान करके अगर अपने कोर्ट के आदेश लेकर ये सबको बांट रही है अपने आदेशों को, पढ़े, पढ़ने के बाद में क्यों नहीं आ रहे हैं अधिकारी देखने के लिए कि ये क्या चीज लेकर गई है? आप मानते हैं ना कि हाईकोर्ट के आदेश और मतलब कांग्रेस का अब तक बीजेपी का बोर्ड था, कांग्रेस के बोर्ड में बैठ सकते हैं सभापति पद? अगर आदेश है तो बैठ सकती है, अगर आदेश में नहीं है तो नहीं बैठेंगी। तो चेक तो करा करके कोई आदमी, हमारा कहने का मतलब है चेक तो करा करके। सभा तो सच चुकी थी, तो कोई भी कर्मचारी ये तो फिर इनकी इनकी ढील है कि इनको आना चाहिए कि कोई इतना बड़ा यहाँ सीट पर बैठने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, पुलिस को सूचना तुम कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं आते हैं जी के? या इनकी कोई कमजोरी अभी नहीं आ रहे? इतनी देर में तो 5 मिनट में ड्यूटी टाइम क्या होता है? अगर 8 बजे में कोई आदमी आ जाए तो 8 बजे तुरंत आ जाना चाहिए। तो ये तो सरासर इन लोगों की कमजोरी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो कोर्ट के आदेश है उनको जेएलबी ने नहीं माना। मेरे पास कोर्ट के आदेश हैं, हमने कमिश्नर को भी पार्टी बना रखा है, जेएलबी को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि सबको पता है। आज मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यहाँ पद ग्रहण करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। इसको 2 महीने 8 दिन हो गए मुझे मिले हुए, वो तो हमने इसलिए इतना डिले कर दिया कि आज हमें मतलब हम चाह रहे थे जेएलबी बीएलबी मैं भी जा रही थी, मेरा वकील भी जा रहा था भाई, न तो मेरे पास 2 महीने से बैठ बिठाओ हमें बिठाओ, लेकिन हमने ये सोचा चलो महीने 2 महीने लेट बिठा देंगे कोई बात नहीं, सरकार और डीएलबी की खुशी में ही हम चला के बैठेंगे। लेकिन जब इन्होंने रिक्त पद घोषित कर दिया तब हमें ये कदम उठा के आना पड़ा। जब हमें कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों केसों को क्वेश कर दिया, उसमें दोनों केसों का हवाला है और केस को क्वेश कर दिया है 26 मई को, 2 महीने 8 दिन हो गए। उसके बाद भी इन्होंने निलंबित इन्होंने पद को रिक्त करते हुए चुनावी घोषणा कर दी, तो मुझे यहाँ पे मजबूरन आज मेरा पद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा है। आप यहाँ पे आए हो, ताला लग रहा है, तो क्या लगता है क्या कारण से ताला लग रहा है आपके खिलाफ? कोई राजनीति व्यवस्था है? राजनीति व्यवस्था होगी तो भी क्या है, मेरा पद है, मेरा हक है। इसको यहाँ पे मेरा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से मैं यहाँ पे आई हूँ, न्यायालय के आदेशों के अनुसार इनको ताला खोलना पड़ेगा। भाई माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश करे उस आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ताला आज खोलेंगे, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ 10-11 बजे तक ऑफिस खुलता ही नहीं होगा, पब्लिक की काफी शिकायतें जाती है, यही रवैया नगर परिषद ने बना रखा होगा, तभी तो ये आज हालत है, ताले लगे हुए हैं, 10-11 बजे तक आयुक्त नहीं बैठता है, कर्मचारी नहीं आते हैं, मेरे पास काफी शिकायतें जाती है इस चीज की। अगर कोई नहीं आता है 11-12 बजे तक तो अभी क्या रणनीति रहेगी आगे? अगर यहाँ कोई नहीं आएगा तो हम अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, सबको हम कलेक्टर साहब के पास कलेक्टर साहब से कहेंगे हमें यहाँ ताला खुलवाओ, हम हमारे अधिकार पे आए हैं, कोई गैर अधिकारी नहीं है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, ऑर्डर की कॉपी मेरे साथ है, कोई हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें यहाँ पे ताला खुलवाएगा। नहीं मानते तो फिर आगे क्या आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, हम तो बैठेंगे आके, हम धरना देंगे यहाँ पे, हम तो बैठेंगे, हमारी कुर्सी पे बैठेंगे, हम तो हमारा रुख है, हमारा अधिकार है, हम तो